शाम के 8 बज चुके हैं और मैंने अपना मिनी ब्लॉग अपलोड कर दिया है और मैं पिछले 32 घंटों से ज्यादा टाइम से जगा हुआ हूँ। तो रात के बज रहे हैं करेक्ट 3:30 और मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना था। कल का ब्लॉग मैंने जैसे ही एंड किया उसके बाद मैं अपना ब्लॉग एडिट करने पे लग गया, क्योंकि क्या है मेरा 3 टास्क पर डे चैलेंज तो है, साथ ही साथ 500 ब्लॉग चैलेंज भी चल रहा है तो उसे भी कंप्लीट करना है। इधर बीच पिछले 1-2 दिन में जब से मैंने 3 टास्क पर डे चैलेंज चालू किया उस चक्कर में मेरा ब्लॉग भी थोड़ा लेट हो रहा था, किसी दिन 10:30 बजे, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 1 बजे, कल तो लगभग 3:30 बजे पोस्ट हुआ था। तो इसलिए मैंने आज रात भर जगने का डिसीजन लिया और ब्लॉग एडिट किया। एडिटिंग कंप्लीट हो गई और उसका रेंडरिंग हो गया है, थंबनेल बना लिया है, अभी उसको स्टेबलाइज करना है, फिर अपलोड करना है, फिर शेड्यूल करना है। तो ये सब करते करते 4 आराम से बज जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ उसके बाद मिनी ब्लॉग भी एडिट कर लूँ एंड तब तक 5 बज जाएंगे, फिर अपन मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है नवंबर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 279 देख रहे हो आप। एंड मेरा 3 टास्क पर डे चैलेंज जोरों शोरों से चल रहा है। कल एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने 6 टास्क कंप्लीट किए, जिसमें से 3 उसके पहले वाले दिन के पेंडिंग थे और 3 जो कल के थे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया। तो कल का ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, छोटा सा है लेकिन उसमें मैंने 6 टास्क खटाखट कंप्लीट किए और काफ़ी अच्छे तरीके से किए। आज क्या क्या टास्क करने हैं मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो जब मैं डिसाइड कर लूँगा तो बताऊँगा, उसके बाद अपन उसको कंप्लीट करेंगे। टास्क जो भी होंगे तगड़े जोरदार और ऐसा इफेक्टिव होने चाहिए ताकि अपना काम धंधा जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। तो एक टास्क मेरे दिमाग में आ रहा है, एक्चुअली मुझे एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट नंबर 2, और उसमें ज्वाइनिंग करवानी है लोगों की। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 मैं सोच रहा हूँ आज ही लॉन्च कर दूँ। अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही लॉन्च हुआ है, उसमें लगभग 12 ब्रांड्स के वीडियोज़ डल चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे मार्केटिंग पार्टनर्स पोस्ट कर रहे हैं बैक टू बैक, 14 हो गए। कल ही तो अपन KFC और मिंत्रा कंप्लीट किए, नहीं हाँ KFC मिंत्रा और कल वो भी कंप्लीट किया हूँ, क्या बोलते हैं बैंक बाज़ार, ये कंप्लीट किया हूँ। तो अभी मेरे पास नया प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करना है, उसमें कम ब्रांड्स के वीडियोस होंगे एंड उसे जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कम बजट पे वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अच्छा प्रमोशनल वीडियो पोस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। एंड एक और नया प्रोजेक्ट मैं लाने वाला हूँ प्रोडक्ट प्रमोशन का, मैं कल उस पर रिसर्च भी कर रहा था, रिसर्च उस पर काफ़ी हो चुकी है। आज हो सकता है मैं एक मीटिंग करने जाऊँ उसी के रिगार्डिंग जिस पर मैंने कल रिसर्च किया, तो ताकि उसमें ज्वाइन करके मैं उनके प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू करूँ, उसकी सेलिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि क्या है मैं डिले नहीं करना चाहता, क्या है कल करे सो आज करे सो अब, तो तत्काल प्रभाव से कर डालो। प्रमोट करके देखते हैं, अपने पास प्रमोशन ऑप्शन ऑलमोस्ट फ्री है, अपने को कुछ ज़्यादा पेमेंट वगैरह नहीं करनी प्रमोट करने के लिए, बस ये कि मार्केटिंग पार्टनर्स तक वो वीडियो पहुंचानी है, उसके लिए बस खाली डाटा लगता है और फिर वो पोस्ट करते हैं। सेल्स जब जनरेट होती है तो अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है अपन रेवेन्यू शेयर करते हैं, सिंपल सा सिस्टम है। तो कल मैं कॉल करूँगा जिनसे मिलने जाना है, उनसे मिल के फाइनल करूँगा कि अपने को ये काम आगे करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन करनी है, कैसे कैसे काम करता है इनका सिस्टम। प्रोडक्ट तो ठीक ठाक लगे मुझे, ऑलमोस्ट एमवे टाइप की कंपनी है एंड काफ़ी हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स एंड और काफ़ी सारी चीज़ें, तो अच्छी रेंज है प्रोडक्ट की एंड काफ़ी जगह लोग यूज़ भी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया मैंने इनका देखा है, अच्छी खासी सेल है, ये एमवे टाइप से ही काम करते हैं ऑलमोस्ट। तो प्रोडक्ट अच्छा लगा देख के, प्रोडक्ट खुद भी अगर मैं मौका मिला आगे चल के तो मैं खुद यूज़ करूँगा एंड उसका रिव्यू भी दूंगा। बाकी तो फिलहाल प्रोग्राम ऐसा है कि प्रमोट करना है, उसको सेल जनरेट करनी है उसकी। तो पहले तो सिस्टम कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो वैसे काम कर पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जैसे अपन ऑनलाइन जाते हैं ऑर्डर सबमिट करना, ऐसा नहीं कि पर्सनली ऑर्डर लेके हम फॉरवर्ड कर रहे हों। तो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें कल ही कॉल आया था उसके रिगार्डिंग, कल ही कुछ चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन अब मैं कल मीटिंग शेड्यूल करके जाके मिल के बाकी के डाउट्स क्लियर करूँगा और फिर फाइनल करेंगे। हाँ, तो 3 टास्क में से पहला टास्क ये है कि मुझे आज प्रोजेक्ट नंबर 2 लॉन्च करना है, एक अच्छी मीटिंग करनी है जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग है, भिलवाड़ा में ही मीटिंग करनी है, और इसके अलावा तीसरा टास्क अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो बाद में करेंगे। फिलहाल मैं ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ ताकि सुबह टाइम पे ब्लॉग आ जाए। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं 3 टास्क पर डे चैलेंज कैसा लग रहा है आपको।
मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, रात रात भर जग के काम कर रहा हूँ मैं। जब भी टाइम मिलता है तब नींद पूरी करता हूँ, बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि 30-30 घंटे जगता हूँ, फिर 12-10-12 घंटे सो जाता हूँ। तो मैं ऐसा हो रहा है कि 30 घंटे कंटिन्यू जग रहा हूँ, फिर 10 घंटे सो जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर 30 घंटे कंटिन्यू जग रहा हूँ, फिर 10 घंटे सो रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि 35 घंटे 40 घंटे तक कंटिन्यू जगा हुआ था, और उसके बाद फिर 10-12 घंटे 15 घंटे तक सोया हूँ बैक टू बैक। तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन काम ठीक ठाक चल रहा है। और स्पीड बढ़ानी है मेरे को, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, और ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराना है, और ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करने हैं, और ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन करनी है, और उनसे अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करके सारे मार्केटिंग पार्टनर्स को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो देखते हैं ये चीज़ें 6 महीने में हो पाती हैं कि नहीं, 3 टास्क पर डे चैलेंज के साथ। फिलहाल इतना बकवास करते करते 7 मिनट निकल गए हैं। मैं फ़ोन लगाता हूँ चार्जिंग में, वीडियो लगाता हूँ स्टेबलाइज पे, अपलोड करके शेड्यूल करता हूँ। 5 बजे का तो अपन निकलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। तो अभी एक्चुअली बजने वाले हैं 5, और 4 बजे के आसपास मुझे एक और टास्क याद आया, तो मैंने वो टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मुझे बनाना था फॉर्म टेलीकॉलर हायर करने का, तो मैंने अभी अभी एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये रहा अपना फॉर्म, क्रिएट हो चुका है इन्फिनिटी मीडिया मार्केटिंग का टेलीकॉलर्स हायर करने के लिए, टेलीकॉलर जॉब एट इन्फिनिटी मीडिया मार्केटिंग। मैंने फॉर्म पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो। अपन कलेक्ट कर रहे हैं नाम, जेंडर, एज चाहिए, बर्थ चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो भी, सिटी, स्टेट, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेज क्या क्या आती है, ऑक्यूपेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो वो, बस इतना ही चाहिए। तो एक टास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब 2 टास्क और करने हैं, और 5 भी बजने वाले हैं तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। फिलहाल अभी जो मेरा दूसरा टास्क होगा वो ये होगा कि जो भी इंक्वायरीज आई थी जॉब के लिए स्पेशली फॉर टेलीकॉलर्स, उन सबको ये फॉर्म फॉरवर्ड करना है ताकि वो फिल कर सके, और अपन डाटा कलेक्ट करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा सकें एज अ टेलीकॉलर, ताकि जो अपना प्रोडक्ट है वो लोग कॉल कर कर करके सेल कर सकें। अपने पास है काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो कॉलिंग पे सेल होते हैं, तो उस नेटवर्क में बस इनको ऐड करना है, और वो डायरेक्टली ऐड हो के आराम से 10,000 से 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं कॉलिंग करके। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद प्रो हो जाएंगे आराम से, और दिन के आराम से 5-1 लीड जनरेट कर सकते हैं, और वीकली मेरे ख्याल से 3-4 सेल्स भी कर लेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट निकल जाता है। काफ़ी अच्छा पे आउट भी है सेल्स पे, तो वो उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में मिलता है, अपना कोई भी रोल नहीं रहता, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ये चीज़ें समझानी होती है कि उनको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, डाटा जो वो कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास भी सेव होगा, डाटा उनको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में मैं उनको पर्सनली बताऊँगा, मैं ओपनली ब्लॉग में नहीं बताने वाला कि डाटा कैसे मिलेगा, एंड डाटा अपन भी प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा डाटा है, मेरे पास लगभग 25,000 डाटा होगा कॉलिंग के लिए, और 25,000 डाटा बहुत होता है, आदमी 3-4 महीने तक कॉल कर सकता है 25,000 डाटा पे। प्लस जो मैं तरीका बताऊंगा उस हिसाब से, तो जो लोग कॉलिंग करेंगे उनके थ्रू भी अपने पास कम से कम 1-1.5 लाख डाटा कलेक्ट हो जाएगा। वो क्या है ना, हर एक चीज़ मैं नहीं बता सकता ओपनली, क्योंकि बहुत लोग कॉपी कर लेंगे, तो कुछ चीज़ें क्या है अपना ट्रेड सीक्रेट भी है कि हर चीज़ कॉपी नहीं कर सकता हर कोई, क्या बोलती पब्लिक। फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ये पहला टास्क था। दूसरा टास्क मैं कर रहा हूँ कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थे सबको फॉरवर्ड करना है, तो ये 2 टास्क मेरे अभी हो जाएंगे, और अभी सुबह के 5:19 हो रहे हैं, फॉरवर्ड करना मैंने स्टार्ट करवा दिया है, खुद भी कर रहा हूँ, तो जिसके जिसके पास भी अपने ये जॉब कैंडिडेट्स आए वो सब लोग फॉरवर्ड करेंगे सबको, ताकि फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो, और जो भी लोग ज्वाइन हो, मतलब जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे फिर बाद में अपन उनको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। आज का दिन तो फॉर्म फिलिंग में ही चला जाएगा, और जैसे ही 10 फॉर्म फिल हो जाएंगे मैं 10 लोग को हो सकता है कल ही ट्रेन करूँ एंड उनको पूरी डिटेल्स बताऊं, तो एक गूगल मीटिंग बुला लूँगा, सबको बिठा के सब चीज़ समझा दूँगा कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ताकि वो लोग इजीली कॉलिंग करके अपना जो प्रोडक्ट सेलिंग है वो चालू कर पाए। 5:30 बजने वाले हैं, तो अभी 10-15 मिनट है, मैं तब तक फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद लोअर मारते हैं, जैकेट मारते हैं, जूते पहन के मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। 2 टास्क तो अभी हो गए, फास्ट सर्विस दे रहा हूँ मैं, कल 6 टास्क कर डाला, हालांकि उसके एक दिन पहले मतलब कि परसों जो 3 टास्क थे वो नहीं हुए थे, बस एक पेंडिंग टास्क मैंने पूरा किया था, तो अच्छी बात है, ज़्यादा काम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे।
वॉक मेरी कंप्लीट हो गई, लगभग एक घंटा वॉक किया। जाने से पहले ही दो टास्क कंप्लीट हो गए थे। जो मैंने टेलीकॉलर्स का फॉर्म बनाया था, वो सारे टेलीकॉलर्स जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, सबको फॉरवर्ड हो गया है। मेरे ख्याल से आज शाम तक 10 फॉर्म फिल हो जाने चाहिए, तो मैं कल उनका कंप्लीट करके आगे प्रोसेस बढ़ाऊँगा। और अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट 02 कंप्लीट। प्रोजेक्ट 02 मैं शूट नहीं कर रहा हूँ अभी, जो भी अपने पास डिटेल्स है वो बनानी है और सबको फॉरवर्ड करना है। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के, शॉर्ट इन द सेंस कि 2 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्योंकि प्रोजेक्ट 01 का वीडियो भी लगभग 2 मिनट का ही था, 2 मिनट से कम टाइम का है, 1 मिनट 45 सेकंड का है, तो बस उतना ही बड़ा बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे भी छोटा बनेगा। लेकिन अपलोड करना भी ज़रूरी है चैनल पर, उससे क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा लोगों तक रीच जाती है। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो भी आराम से प्रोजेक्ट 02 के बारे में जान के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खाली डिटेल्स बना के फॉरवर्ड करनी है, तो डिटेल्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, जैसे कि एक ड्राइव पे प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है अलग से, उसमें सारे वीडियोस डालने हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल्स देनी है, और उसके बाद ज्वाइन करवाना है। तो ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे जाएंगे इसमें, क्योंकि फॉरवर्ड जो करना है लगभग 300 लोगों को फॉरवर्ड करवाना है, तो टाइम लगेगा फॉरवर्ड कराने में। तो ये दो टास्क हो जाएंगे, एक तो प्रोजेक्ट 02 को कंप्लीट करना, उसकी डिटेल्स बनाना, फिर सबको फॉरवर्ड कराना, दो टास्क। तीसरा टास्क ये हो जाएगा उसकी वीडियो बना के अपलोड करना। तो ऑलरेडी मैं 2 टास्क कर चुका हूँ, लेकिन जितने ज़्यादा टास्क हो सकते हैं आज अपन उतना ज़्यादा टास्क करके दिखाएंगे। तो ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, देखते हैं आज दिन भर में कितने होते हैं। तीसरा तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, मेरे ख्याल से आधा से 1 घंटा लगेगा डिटेल कंप्लीट करने में। कुछ चीज़ें मैंने डायरी में नोट करके रखी हैं, कुछ चीज़ें मुझे ड्राइव पर चेक करनी है, फिर फोल्डर बनाना है, और फिर फॉरवर्ड करना स्टार्ट करना है। तो लगभग 1 घंटा लगा, प्रोजेक्ट 02 रेडी है, मैंने उसका ड्राइव भी क्रिएट कर दिया। मेरे को लगा था खाली एक बार में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा। टोटल 25 वीडियोस कॉपीज़ किए मैंने, और टोटल 33 थे प्रोजेक्ट 1 में, जिसमें से 25 छाट के मैंने प्रोजेक्ट 02 में डाला है, जो कि मेन एंट्री है। और टोटल 13 ब्रांड्स का प्रमोशन करना है प्रोजेक्ट 02 में। ज्वाइनिंग चार्ज काफ़ी मिनिमम रखी है, गारंटी रिटर्न भी एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट 01 कम है, और पोस्टिंग करने के भाई टाइमिंग अपन ने 1 से 2 हफ्ते दिए, मैक्स टू मैक्स 3 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देना है। अब ये भी टास्क हो गया, मतलब प्रोजेक्ट का जो डिटेल बनाना था वो भी क्रिएट हो गया, जो ड्राइव बनानी थी वो भी क्रिएट हो गई। इसको 2 टास्क ले सकते हो कम्प्लीटली। एंड अभी मैं एक और टास्क करने वाला हूँ, मुझे सारे जो प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं ये सबको फॉरवर्ड करवाने हैं, जो ऑलमोस्ट 300+ लोग हैं उनको, ताकि जो भी इंटरेस्टेड है वो प्रोजेक्ट 02 ज्वाइन कर लें और ब्रांड प्रमोशन करना स्टार्ट करें। तो देखते हैं आज शाम तक कितनी ज्वाइनिंग आती है। मुझे उम्मीद है कि आज और कल मिला के कम से कम नहीं में भी तो 10 ज्वाइनिंग तो आनी चाहिए, 10 से 20 ज्वाइनिंग, देखते हैं क्या होता है। लगभग पिछले 24 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ और काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ। तो कल रात से जो मैं भिड़ा हूँ अभी सुबह होने तक, मतलब अभी 12 भी नहीं बजे हैं और मैंने काफ़ी सारा काम निपटा दिया है। भोर से जो लगा हूँ वो अभी तक लगा ही हुआ कंटिन्यू काम करने में। और देखा जाए तो मैंने सबसे पहले टेलीकॉलर जॉब के लिए जो फॉर्म बनाना था वो बनाया, सबको फॉरवर्ड किया, प्रोजेक्ट 2 क्रिएट किया, सबको फॉरवर्ड किया, अभी काफ़ी सारे लोगों की ज्वाइनिंग भी आ रही है, उससे भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। और कल का जो पेंडिंग काम था वो भी कंप्लीट हो ही गया था, एक और काम ही चल रहा है भाई साहब। तो अभी थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि अब मेरे को नींद आ रही है, 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं जगे हुए, तो थोड़ी देर सोने के बाद अपन फिर से उठ के काम करेंगे। शाम के 8 बज चुके हैं और मैंने अपना मिनी ब्लॉग अपलोड कर दिया है, और मैं पिछले 32 घंटों से ज़्यादा टाइम से जगा हुआ हूँ। मैं कल उठा था लगभग 1 बजे और उसके बाद से मैं अभी तक जगा हुआ हूँ, मतलब मैं रात भर नहीं सोया, मैं दिन भर नहीं सोया, और अभी 8 बज गए, तो 1 से 1 24 घंटे हो गए, और उसके बाद 7 घंटे और, तो 31 आवर 32 आवर होने वाला है, 8:30 बज रहे हैं। तो 32 घंटे भाई साहब, 32 घंटों से कंटिन्यूसली जगा हुआ हूँ और अभी भी नींद नहीं आ रही, तो मुझे लगता है अभी भी कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे और जगूंगा, और उसके बाद जो सोऊंगा तो ऐसा सोऊंगा कि क्या ही बताऊँ। आज मज़ा आया, आज मैंने काफ़ी सारा टास्क किया, मतलब जो मेरा 3 टास्क था वो तो मैंने कंप्लीट किया ही किया, साथ में मैंने एक्स्ट्रा काफ़ी सारे काम किए और वो करके बहुत मज़ा आया। अब कल के जो काम है वो कल ही बताऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ अब ब्लॉग अब यहीं एंड कर दूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 278 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में, नए
तीन टास्क के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ थोड़ी और एनर्जी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को आसमान तक लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज का मेरा मिनी ब्लॉग मैंने बहुत अच्छा एडिट किया है, अगर आपने नहीं देखा हो मेरी मिनी ब्लॉग्स पिछले कुछ दिनों के तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके मेरे चैनल पे चेक करें और रील्स देखें, उस पे लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा रीच बढ़ाएं, ताकि क्या होता है जितना आप इंगेजमेंट दोगे उतना वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपको और अच्छी जगह कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, और अच्छे अच्छे काम करूंगा, बढ़िया टास्क करूंगा। तो थोड़ी मदद करो ताऊ, थोड़ी मदद करो, वीडियो पे लाइक कमेंट किया करो, शेयर भी किया करो एक आध दो लोग को। कल मिलते हैं 9 बजे। सॉरी छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये ब्लॉग 278 नहीं 279 था। अब मिलते हैं कल सुबह 280 में, ब्लॉग 280। कुछ दिन में 300 ब्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ दिन मतलब 20 दिनों में, और अगले ही कुछ दिनों के अंदर हम कहीं घूमने जाएंगे, कुछ दिन मतलब कि हफ्ते भर के बाद, करेक्ट एक हफ्ते के बाद हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो वो आपको एक हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे और किधर गए थे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं एडवांस में नहीं बताने वाला। ब्लॉग देखते रहो, पता चल जाएगा। रोज सुबह 9 बजे आ जाता है और मिनी ब्लॉग शाम को 6 बजे आ जाता है, तो क्या पता मिनी ब्लॉग में बता दूँ और या फिर फुल ब्लॉग में बता दूँ। अब तुम ये सोचोगे घूमने जा रहे हैं तो फिर टास्क कैसे करेगा, तो देखो क्या है ना, मेरा सारा धंधा मेरे हाथ में रहता है, एक फ़ोन, दो फ़ोन और वो लैपटॉप। लैपटॉप का भी उतना काम नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट काम पड़ता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नोट करके रखता हूँ। क्या थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, मज़ा आता है ऐसे लिख लिख के सारी चीज़ें करने में, तो डायरी और दो फ़ोन, पूरा ऑफिस अपने पास, बाकी लोग से जो भी काम कराना है, जो भी काम करना है सब फ़ोन पे होना है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अपना टास्क भी चलेगा, घूमना फिरना भी होगा और सारी चीज़ें होंगी, फुल ऑन मस्ती।